दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ T10 मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा ब्लू डेविल्स वर्सेस सोका किंग्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में सिमंस का सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जो कि नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 6 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, उससे पहले 5 रन इन्होंने करे, फिर 15 रन इन्होंने करे, 12 रन इन्होंने करे, 64 रन इन्होंने करे, कुछ ऐसा इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस रहा है। प्लस कई बार कुछ मैचेस में पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन हर मैच में करवाए वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ जितना रहेगा बॉलिंग तो नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ बैटिंग से ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। इनके अलावा के जगीसर का आपके पास ऑप्शन होने तो वाला है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा आपको नीचे नजर आएगा, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे एलियन का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट में 46 रन करे, उससे पहले 7 रन करे, 87 रन इन्होंने करे, 0 रन करे, 45 रन इन्होंने करे, प्लस बॉलिंग करवाते वो अलग, और कंटिन्यू काफ़ी मैचेस में विकेट भी निकालते हुए आ रहे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डी चार्ल्स के बारे में बात करें, एक और अच्छे ऑप्शन जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, हालांकि लास्ट रन में 13 रन पे थोड़ा जल्दी आउट हो गए, उससे पहले 41 रन भी उन्होंने करे, 20 रन करे, 42 रन करे, तो रिकॉर्ड इनका भी अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए होने वाले हैं। इनके अलावा संजय का ऑप्शन है, लेकिन यार बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी नीचे हो जाता है, हालांकि ये बॉलिंग करवाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लास्ट में कोई विकेट वैसे नहीं निकाल पाए, बॉलिंग का चांस बहुत कम है, ना के बराबर, कई बार डाल दे जो डाल दे, बाकी तो इतना कुछ इनका रिकॉर्ड है नहीं। दोस्तों एस कूपर के बारे में हम बात करें, सेलेक्शन देखोगे अच्छा खासा है, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट में 11 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 28 रन करे, फिर 0 पे आउट हो गए, हार्ड हिटर बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, मुझे लगता है आप इनको ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो कालीचरण को जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इस मैच में ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, वैसे ओपन तो करते नहीं थे, लेकिन लास्ट मिनट में आए थे ओपन करने और 4 रन पे ही आउट हो गए थे, उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी, फिर 2 रन करे, 0 रन करे, तो इतना परफॉर्मेंस रहा नहीं है कुछ खास, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की प्लेयर हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। इनके अलावा रामबारन का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। यहाँ पे ग्लेस्को का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। वी हैरी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, सेम बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा। और एस जॉनसन के बारे में भी हम बात करते हैं, तो ये भी आपको नीचे ही बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर 3 आपके पास अच्छे ऑप्शन है बैटिंग में, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर में जी गुली का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। लास्ट में 1 रन पे आउट हो गए दोस्तों, उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ 3 रन इन्होंने करे थे, 45 रन इन्होंने करे, प्लस बॉलिंग करवाते वो अलग, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाते। लास्ट मिनट में भी सिंगल विकेट इन्होंने निकाला था दोस्तों, आप इनको रख सकते हैं। डॉगल्स के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा वो मिडल ऑर्डर आपको संभालते हुए नजर आने वाले हैं। और बॉलिंग के बारे में हम बात करते तो लास्ट मिनट में इन्होंने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं करी थी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी इनका परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं किस टाइप का रहेगा, इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट। अब लास्ट मैच में क्यों बॉलिंग नहीं करी, क्योंकि एज ए विकेट कीपर आई थिंक ये शायद खेल रहे थे, बाकी लास्ट मैच को छोड़ दो, उनसे पहले 5 मैचेस में 7 विकेट निकाले, प्लस बैटिंग से भी इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं।
इनके अलावा टी कैस्ट्रो का आपके पास ऑप्शन है, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में रख सकते हो। लास्ट रन में विकेट तो नहीं निकाल पाए, ओपन करेंगे लास्ट रन में 18 रन करे, हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए, उससे पहले 0 रन करे, 7 रन करे, इन दोनों मैचेस में 1 विकेट निकाले थे। फॉर्म अभी तक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रसाद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, लास्ट रन में 3 विकेट इन्होंने निकाले और नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, 22 रन करे और 3 विकेट निकाले। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आता पता नहीं था, कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा रहे थे। मैं अभी तो रख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अपडेट मिलती है कि ये बॉलिंग करवाएंगे नहीं करवाते, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम पर एक्टिव रहिएगा, लिंक टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। निकोलसन नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 5 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 27 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, 11 रन इन्होंने करे थे। आप ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। के रामशरण यार, बैटिंग ऑर्डर आपको इनका काफ़ी नीचे नज़र आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। 4 में ऑलराउंडर के साथ चल रहा हूँ। वहीं बॉलिंग के बारे में बात करें, जे जगी सर लास्ट मैच खेले नहीं, खेलते तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पिनर है, विकेट निकाल के दे सकते हैं। सोलोमन के बारे में बात करें, लास्ट रन में विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 में से 3 मैचेस में बॉलिंग करवाए और 2 विकेट इन्होंने निकाले। जे पॉल के बारे में बात करें, स्पिनर है तो ये विकेट ज़रूर निकाल के दे सकते हैं, हालांकि रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट निकाले, मैं इनके ऊपर ज़रूर रिस्क लेके चलना चाहूँगा दोस्तों। सी रेमंड ओपन डेथ में बॉलिंग करवाते, लास्ट रन में 2 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में देखोगे तो 3 विकेट निकाले, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। इनके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आई खान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट रन में 1 विकेट इन्होंने निकाला और उससे पहले इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, पहले अगर टीम बैटिंग करती तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। इस मैच में एक आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, वो होने वाले हिंट्स, लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन ध्यान रखिए बैटिंग भी कर लेते हैं। अभी जैसे सेकेंड लास्ट मैच में तो ऊपर ही बैटिंग करने आ गए थे, लास्ट रन में बैटिंग ही नहीं आई, बट मेरे हिसाब से ये नंबर 5-6 पे ऑलमोस्ट बैटिंग कर लेते और रन भी करके दे देंगे, तो इसलिए मैं इनको ही लेके चल रहा हूँ। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जिनको आप कर सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। मुझे लगता है कैप्टन के लिए एलेन एक अच्छे ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ओपन करते प्लस आपको बॉलिंग भी करवाते। अब जैसे लास्ट रन में हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन बॉलिंग तो करवा ही देते। और वाइस कैप्टन मुझे लगता है गूली, दो सेफ ऑप्शन है जो CVC आपके लिए, क्योंकि दोनों बैटिंग बॉलिंग करके दे देते हैं। इनके अलावा एक कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो डॉगल्स के साथ आप ज़रूर जाइएगा दोस्तों, ये गेम चेंजर होने वाले हैं। और एक यहाँ पे कैस्ट्रो को भी आप कर सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।